अहम खबर आई है। हाई कोर्ट दे वलों सुखपाल सिंह खैरा नूं रिहा करन दे हुक्म दे दित्ते ने। इस तो पहला सुखपाल सिंह खैरा नूं सिर्फ नोमीनेशन फाइल करन दी ही इजाजत मिली सी, लेकिन हुण वड्डी राहत हाई कोर्ट ने दित्ती है। सुखपाल सिंह खैरा नूं रिहाई दे हुक्म दे दित्ते ने, जमानत दे दित्ती है, जिस दी जानकारी सुखपाल सिंह खैरा दे बेटे महताब खैरा दे वलों एक पोस्ट दे जरिए दित्ती गई है। तस्वीर सांझी कीती है पिता सुखपाल सिंह खैरा दे नाल, ते महताब ने पोस्ट दे जरिए यह जानकारी दित्ती है कि हाई कोर्ट दे वलों वड्डी राहत मिली है ते उन्हां दे पिता नूं रिहा करन दे हुक्म दे दित्ते ने। जबकि इस तो पहला 31 जनवरी दे तक उन्हां नूं जो चोण अधिकारी है उन्हां दे सामने पेश होकर नोमीनेशन फाइल करन दी इजाजत मिली सी। इसकी अर्जी भी दित्ती हुई सी सुखपाल सिंह खैरा होरां दे वलों कि उन्हां नूं जेल तो बाहर जाके नोमीनेशन फाइल करन दी परमिशन दित्ती जावे, जिस दे हुक्म भी कुछ देर पहलां तक ही दित्ते सी। लेकिन इस वेले जो वड्डी राहत मिली है, जमानत अर्जी जिहड़ी है वह कबूल की गई है, इजाजत जिहड़ी दे दित्ती गई है, रिहाई दे हुक्म होए ने। महताब दे वलों जो पोस्ट शेयर की गई है उस दे विच की लिखते हैं तुहानूं वह दस दिंदे आं। दोस्तों, मैनू ये दसन दे विच खुशी महसूस हो रही है कि अज मानयोग हाई कोर्ट ने मेरे पिता सुखपाल सिंह खैरा नूं जमानत ते रिहा करन दे आदेश दे दित्ते ने। इह सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू दी मेहर दे नाल तुहाडियां निरंतर अरदासां दा ही नतीजा है। अज असीं ईडी बीजेपी अते साडे विरोधियों दे वलों बदलाखोरी तहत करवाए सरासर झूठे मुकदमे की 50% जंग जित ली है। अते मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा चाहुंदा कि बकाया अद्धी जंग असी 20 फरवरी नूं भी जित्तांगे ते कानून दी अदालत दे विच भी बेगुनाह साबित होवांगे, क्योंकि मेरे पिता ने कदे भी अजिहा कोई गलत काम नहीं कीता। महताब सिंह खैरा तां अजिही पोस्ट दे जरिए महताब खैरा दे वलों जानकारी दित्ती गई है कि पटियाला जेल दे विच दस दे कि सुखपाल सिंह खैरा पटियाला जेल दे विच बंद है। बीते नवंबर महीने दे विच उन्हां नूं मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच गिरफ्तार किया गया, जिस तों बाद पटियाला जेल दे विच ही बंद सन। लेकिन अज जिहड़ी है वह वड्डी राहत हाई कोर्ट दे वलों दित्ती गई है, हाई कोर्ट दे वलों उन्हां नूं जमानत जिहड़ी उह दे दित्ती गई है। हालांकि कुछ दिन पहलां तक जो उन्हां दे विरोधी सन सुखपाल सिंह खैरा ते सवाल चुकदे आए सन, ते सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी दे ही जो कैबिनेट मंत्री ने राणा गुरजीत सिंह उन्हां दे वलों भी यह सवाल चुके गए सन कि जिन्हां ते अजिहे गंभीर आरोप लगे ने, जिन्हां ते मनी लॉन्ड्रिंग वर्गे गंभीर आरोप लगे ने, आखिर उन्हां नूं किवें पार्टी टिकट दे जा रही है या दित्ती हुई है। क्योंकि दस दिए कि सुखपाल सिंह खैरा नूं जो भुलथ तो MLA भी ने, तो उन्हां नूं एक बार फिर तो इस बार भी पार्टी दे वलों टिकट दित्ती हुई है, तो अजिहे दे विच विरोधी तो सवाल चुक ही रहे सन। पर अपने जो मंत्री ने जां अपने विधायक ने कांग्रेस दे, उन्हां दे वलों भी सवाल चुके जा रहे सन कि जिन्हां ते अजिहे गंभीर आरोप ने ते जिहड़े पटियाला जेल दे अंदर बंद ने, उन्हां नूं आखर पार्टी किवें टिकट दे सकती है। तां अजिहे दे विच कई सवालां दे घेरे दे विच भी घिरे होए सन। लेकिन हुण जो हाई कोर्ट दे वलों उन्हां नूं वड्डी राहत दित्ती होई है, फिर एक बारी दस दईए कि मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच ही पटियाला जेल दे विच सुखपाल सिंह खैरा बंद सन। उन्हां दे वलों कुछ देर पहलां जो उन्हां दे वलों यह मंग की जा रही सी कि नोमीनेशन फाइल करन दे लई नामजदगियां भरन दे उन्हां नूं जिहड़ी है इजाजत दित्ती जावे ताकि वह बाहर जाके जेल तो बाहर जाके नामजदगी भर सकन, जिस तों बाद उन्हां नूं परमिशन दित्ती गई कि 31 जनवरी दे तक उन्हां नूं चोण अधिकारी दे सामने पेश किया जाएगा, तो चोण अधिकारी दे सामने पेश होकर ही अपनी नामजदगी भर सकते हैं। जेकर किसी कारण तो 31 जनवरी नूं ना भर सके तो 1 फरवरी तक यह नामजदगी जरूर भर सकते हैं पटियाला जेल तो बाहर जाके। लेकिन जो हुण हाई कोर्ट दे वलों एक नवा फैसला आया कि उन्होंने हुण जमानत दे दी गई है, रिहाई जिहड़ी है वह हो गई है, तो हुण वह बाहर आके तो नामजदगी भी भर सकते ने, ते नाल ही जो अपनी मुहिम है चोण प्रचार की मुहिम है उस दे विच भी खुल के हिस्सा लै सकते हैं। हालांकि इस तो पहला उन्होंने परिवारक मैंबरों के वलों ही जिहड़ी चोण प्रचार है वह किया जा रहा है, लेकिन हुण खुद सुखपाल सिंह खैरा पटियाला जेल तो बाहर आउणगे ते इस चोण प्रचार दे विच जिहड़ा है अपना पूरा हिस्सा पा सकणगे। ते इस वेले दी जो अहम ते वड्डी खबर है कि उन्हां नूं हाई कोर्ट दे वलों यह वड्डी राहत दित्ती गई है ते उन्हां दी जमानती अर्जी मंजूर कर ली गई है। होर खबरां दे लई भी बने रहो दैनिक सवेरा TV दे नाल।